नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकवाणी के बुलेटिन में। दिन भर के तमाम खबरों साथ में शिल्पा पाठक। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जीवीएम के नेता टुल्लू सरदार हत्याकांड, दो आरोपी को जमशेदपुर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ईद पर शहर की विधि व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस ने निकाली फ्लैग मार्च। गोविंदपुर दो मोहानी पुल को जल्द शुरू कराने एवं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जिला मुख्यालय सभागार में एक अहम बैठक। और गोलमुरी सर्कल मैदान के समीप बसे बस्ती को जिला प्रशासन के द्वारा खाली कराने के विरोध में बस्ती वासी ने जिला पदाधिकारी ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जीवीएम नेता टिल्लू सरदार की हत्याकांड में दो आरोपी रमेश प्रमाली को और पिंटू प्रमाली को गुरुवार एडीजे 13 की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इन दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि यह मामला वर्ष 2012 के 7 नवंबर के करीब रात 9 बजे की है। मामले में वादी पक्ष की ओर से कोर्ट में बहस की गई थी, जिसमें 12 लोगों की गवाही करवाई गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि टुल्लू सरदार और उनकी पत्नी बिजली कटने के कारण बाहर बैठे थे। उसी वक्त दो युवक बाइक से पहुंचे और रमेश प्रमाणिक ने टिल्लू सरदार की गोली मारकर हत्या कर दी। उस वक्त बाइक पर रमेश प्रमाणिक तथा पिंटू प्रमाणिक सवार थे, जिसके बाद टिल्लू सरदार की टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुवार को लगभग 6 वर्ष बीतने पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मेरा हस्बैंड को मर्डर किया है लोगों, रमेश परमानिक पिंटू परमानिक, जिसको मिला आज आजीवन करवार, और 2012 में उनका मर्डर हुआ था। क्या थे वो? हम नेता थे समाज। क्या विवाद था? आज इस फैसले से कितना खुश है? खुश क्या, हम तो खुद बर्बाद हमको कर दिया है लोगों। खराब भी लगता है और अच्छा भी लग रहा है कि जिस चीज़ को लोगों किया है उस चीज़ का लोगों को सजा मिला है। और कड़ी सजा मिलना चाहिए था? हाँ, और कड़ी सजा मिलना चाहिए, लेकिन हम बोले हम जैसे तड़प रहे हैं वो लोगों भी ऐसे तड़प। आज वो लोग का कारण से मेरा बाल बच्चा पूरा बर्बाद हो गया है। क्या नाम हुआ मेरा? हाँ, ये ST 78-13 सुनाड़ी 140-12 में अभियुक्त रमेश प्रमाणिक और पिंटू प्रमाणिक को धारा 302 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया। और वही माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश 13 नंबर के द्वारा आज उनको आजीवन कारावास दोनों को और 10,000 रुपये का आठ दंड नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा और 27 आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा और 2,000 का आठ दंड नहीं देने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। क्या घटना को अंजाम दिए थे लोग? ये घटना का अंजाम है, टिल्लू सरदार अपने घर से निकल रहा था, तो ये रमेश प्रमाणिक और पिंटू प्रमाणिक अपनी मोटरसाइकिल से आया और उनको गोली मार दी। फिर वो मरे नहीं थे, घायल अवस्था में लोगों ने टीएमएस में भर्ती कराया था। वहाँ ने उन्होंने अपने फर्द बयान में जो टाइम डिक्लेरेशन बाद में आया, वही जो फर्द बयान आया कि इन लोगों ने हमको गोली मार दी और कुछ दिन के बाद वो इलाज के दौरान मर गए, तो उसको टाइम डिक्लेरेशन कोर्ट ने माना। और अन्य भी 3-4 जो है आई विटनेस करवाए, केस प्रूफ हो गया। कितने लोगों की गवाही हुई थी? ये गवाही हुई थी 12 लोगों जी। कितने साल के बाद आज सर? ये 2012 की घटना है, लगभग 6 साल लगा, 5.5-6 साल लगा। और जो जिस गाड़ी से आया था वो गाड़ी भी पकड़ा गया था, जिस आम से मारा था वो आम से पकड़ा गया था। और एफएसएल से सब ईद पर्व को लेकर शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वैसे पूरे शहर में 25 दंडाधिकारी को नियुक्ति किया गया है, वहीं 2000 से ज्यादा जवान को तैनात किया गया है ताकि उपद्रवियों से निपटा जा सके। इधर शहर में शांति व्यवस्था कायम हो, इसको लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च साक्षी CCR से निकाला गया, जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए मान को पहुंचा। वैसे फ्लैग मार्च का नेतृत्व सिटी SP प्रभात कुमार ने किया। वहीं लोगों से अपील किया कि ईद पर शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, भाईचारा पवित्रता बनाए रखें। वैसे उपद्रवियों पर CCTV कैमरे की नजर रहेगी, अगर कोई भी व्यक्ति गलत हरकत करते हुए पकड़े गया तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि SSP ने पहले साफ कर दिया कि सोशल मीडिया और ऐसे ही गलत अफवाह ना फैलाएं। इधर गलत अफवाह फैलाने वाले पर FIR दर्ज किया जाएगा।
ईद के ईद पर हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जितने फोर्स आए हैं, कुछ बाहर से भी फोर्स आए हैं, तो एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। इससे फोर्स भी जगह से पता चल जाएगा कहाँ कुछ भी अगर ऐसी गतिविधि होती है तो कहाँ जाना है नहीं जाना है, प्लस पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस आएगा। मेनली इससे ये है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस आए, हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, हमारे पास मोर देन सफिशियंट बल है, पूरे फोर्स की तैयारी कर ली गई है, हम लोग एक मॉक ड्रिल भी किए हैं और अभी पूरे शहर में फ्लैग मार्च की जा रही है। सर अक्सर इन मुस्लिम मोहल्ले में कुछ ना कुछ होता है, क्या यहाँ स्टैटिक बल बने रहेगा आपका? नहीं ऐसा नहीं है, हमारे जब भी आप देखे होंगे जब भी कभी हुआ है तो हम लोग एकदम समय रहते उसको कंट्रोल किए हैं। जैसे आप देखे होंगे सरस्वती पूजा के समय थोड़ी नोक झोंक हुई थी लेकिन पुलिस एकदम समय पर पहुँच के चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, पूरा ईद बढ़िया से लोग मनाएं। हमारी शहरवासियों से अपील है कि बहुत शांति का माहौल है और शांति के माहौल में ईद मनाएं बढ़िया से। कहीं कुछ भी किसी भी कोई प्रकार की दिक्कत आती है तुरंत पुलिस को कॉन्टैक्ट करें और अफवाहों पर नहीं जाएँ। जनरली अफवाह बहुत फैलते हैं, बहुत जल्दी फैलती है, अफवाहों पर नहीं जाएँ। कोई भी अगर ऐसी गलत सूचना आती है तो उसको पुलिस से पहले वेरीफाई कर लें। राज्य भूमि सुधार विभाग के सचिव गुरुवार को जमशेदपुर शहर पहुंचे, जहां उन्होंने जमशेदपुर में बन रहे विभिन्न सड़कों तथा पुलों का निरीक्षण किया। साथ ही विभाग के तमाम पदाधिकारी के साथ जिला मुख्यालय में एक बैठक भी किया गया। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त तथा सरायकेला जिले के उपायुक्त समेत दोनों जिलों के तमाम अधिकारी मौजूद थे। विभाग के सचिव ने इस दौरान तमाम निर्माण कार्य का ब्यौरा किया तथा कई दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि गोविंदपुर तथा दो मुहानी में बन रहे पुलों के निर्माण कार्य जोर पर है और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इसी वर्ष दिसम्बर के माह तक दोनों पुलों की चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग तरफ से कई सड़कों का निर्माण कराया जाना है, इसके लिए तैयारी कर जा चुकी है। बरसात के पूर्व जो निर्माण कार्य किया जाता है उसे पहले कराया जाएगा और इस दरमियान बाकी निर्माण कार्यों के लिए कागजी प्रक्रिया की जाएगी ताकि दिसंबर के माह तक बाकी कार्यों को भी शुरू किया जाएगा। इन्होंने कहा कि जमशेदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने की आवश्यकता और सरकार का उद्देश्य है कि जमीन खाली पड़ी है उसका उपयोग इन कार्यों के लिए किया जाए। सर ये हाई लेवल ब्रिज सर स्वर्ण रेखा पर दोनों तरफ सर निर्देशित किया दोनों तरफ गोल चक्कर बना करके लोगों का लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना को मूर्त रूप देते हुए हम लोग जमीन पर नवंबर या दिसंबर तक काम चालू करवा दें इसी साल, ताकि वो जब काम पूरा हो तो यहाँ के जो ट्रैफिक के लिए सहूलियत हो सके। और दो मुहान वाले मामले में भी हम लोग अभी सब डीसी साहब सरायकेला साथ में थे, पूरी सिंह के साथ में थे, तो वो भी जो जो समस्या का निदान है वो जिला के स्तर पर कर लिया जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने ये प्रॉमिस किया है कि अगले 6 महीने में उस सड़क को कंप्लीट करके वो हैंडओवर कर देगा, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो सड़क भी हमको नवंबर तक कंप्लीट करके दे देगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सड़क का काम पहले से हम लोग करवा दें। काम बरसात से पहले हो सकता है, पहले उसको पूर्ण करा दिया जाए, जिसमें जमीन के अर्जन का मामला है उसको जल्दी से निपटा दिया जाए ताकि बरसात के बाद उसमें भी तत्काल काम प्रगति पे आ सके। और जो नई परियोजना है जिसके बारे में हम लोगों ने भी चर्चा की है उसके बारे में भी हम लोग जाके उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवा लें, सर्वे कर लें, DPR तैयार कर लें, ताकि हम लोग उन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए नवंबर से दिसंबर तक उसमें भी काम चालू करने की अवस्था में आ सकें। अब जैसे ही आपके शहर में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने की आवश्यकता है तो ये जमीन की उपलब्धता और आवश्यकता के हिसाब से तय किया जाएगा कि कौन सी जमीन का उपयोग किया जाए। लेकिन सरकार का उद्देश्य है कि जमीन को अनावश्यक रूप से खाली रखने के बदले उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए ताकि जन सुविधाएं विकसित हो सके। 1 साल से कम की अवधि में वो भूमि के अर्जन का काम हम लोगों ने प्रारंभ करके निपटाया है। जमशेदपुर गुलमर्ग थाना क्षेत्र स्थित सर्कस मैदान के समीप बसे छोटी सी बस्ती खाली कराने का नोटिस जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है, जिसके खिलाफ युवा जदयू के समर्थन के साथ बस्ती वासियों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय प्रदर्शन किया, साथ ही अपने पुनर्वास की मांग भी की गई। आपको बता दें कि इन्हें बस्ती खाली करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था, जिसके बाद यहाँ के लोगों में हड़कंप सी मची हुई है। युवा जदयू ने इसका विरोध जताया, उन्होंने पुनर्वास की मांग भी की। गुरुवार को इनके द्वारा जिला मुख्यालय का समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन इन्हें 24 घंटे का मोहलत दिया था, जिस पर प्रशासन से बात की गई। इन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं और इस धर्म में ईद के मद्देनजर फिलहाल इनके लिए समय दिया जाए। साथ ही इन्होंने कहा कि इनके द्वारा बस्ती में रहने वाले कुल 71 घर को चिन्हित किया गया है, जिनके पास यहाँ के दस्तावेज भी मौजूद थे और इन्हें पुनर्वास की मांग इनके द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष उठाई गई है।
सर्कस मैदान से अतिक्रमण हटाने का 24 घंटा का नोटिस जारी किया गया था। कल हमने जाकर वहाँ सर्वे किया, हमने पाया कि वहाँ 40 वर्षों से लोग रह रहे हैं जिनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, गैस का कनेक्शन तक मौजूद है। नोटिफाइड से उनका मकान का होल्डिंग नंबर तक आवंटन, फिर हमने SDO मैडम से बात की, हमने मामले की सारी जानकारी दी और हमने रिक्वेस्ट किया कि ज़्यादातर मुस्लिम परिवार हैं इसलिए अभी रमजान का महीना चल रहा है, ईद तक वहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाया जाए। तो उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा ठीक है मानवीय आधार पर अभी हम ईद तक वहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि इनको यहाँ से विस्थापित कर दूसरे जगह में पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है जिसमें इनको इंदिरा आवास दिया जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है आपका जो सर्वे हुआ है उसके बाद पार्टी की ओर से हम लोग एक सर्वे कर लेते हैं और उसकी भी सूची आपको दे देते हैं ताकि अगर आप उससे कुछ सहायता ले सकते हैं तो ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ऑथेंटिक पेपर के साथ आप लाके हमको जमा कर दीजिए। हमने वहाँ सर्वे किया, 71 परिवार वहाँ रहते हैं, 71 घर है वहाँ पर। हमने 71 घरों का वोटर कार्ड, आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले लिया है, आज हम लोग उसको मैडम को देंगे और हमारी मांग है कि इन 71 परिवारों को आप वहां पे पुनर्वास करा के इंदिरा आवास देने का काम करिए। खबरों वक्त से छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हां, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर SK तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-243-8616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के बिरसा जन ज्योति सामाजिक संस्थान द्वारा प्लास्टिक मुक्त जमशेदपुर का संदेश आम जनता तक तथा दुकानदारों को दिया गया है। गुरुवार को इनके द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई जिसके माध्यम से इन्होंने सभी को प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करने का संदेश भी दिया है। गुरुवार को साक्षी गोल चक्कर से जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने अपना योगदान दिया। इनके द्वारा यह रैली पूरे बाजार इलाके में घुमाई गई। रैली में सभी ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सभी से प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करने की अपील की। संस्था संरक्षण ने इस दौरान कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री 1 वर्ष के भीतर राष्ट्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने का सपना देखा है और उसी को साकार करने हेतु इस जागरूकता रैली को निकाली गई। साथ ही रैली के माध्यम से जनता को प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों से भी अवगत कराया गया। पोलोथीन है शहर के गंदगी का प्रमुख स्रोत। हम सभी ने ये खाना है, हम सभी ने खाना है। मित्रों, आप सभी दुकानदार भाइयों, प्लास्टिक मुक्त जमशेदपुर को हम सब ने संकल्प लिया है कि स्वच्छता युक्त और प्लास्टिक मुक्त बनाना है। हमारे इस पहल को आज झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी ने भी इस सपने को साकार करने के लिए अपनी सहमति जताते हुए यह घोषणा कर चुके हैं कि 1 साल में जमशेदपुर को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। हम सभी उसी सपने को साकार करने के लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं। प्रत्येक बाजारों में, प्रत्येक जगह पर हम लोग घूमेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। यही हमारा धर्म और कर्म है।
पूरे कोलार में हाथियों का आतंक जारी है। लगातार हाथी गांव को निशाना बना रहे हैं और सैकड़ों एकड़ जमीन में लगे फसल को रौंद दिया है। ताजा मामला नीमटी थाना तक हेवन गांव का है, जहां 5 हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर चुका है और आधा दर्जन से ज्यादा घरों को तोड़ दिया है। इधर हाथी ने 2 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें से 1 3 साल का बच्चा शामिल है। वैसे दोनों का इलाज एमजे अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि वन विभाग के खिलाफ ग्रामीण काफी गुस्सा में है। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी गांव नहीं पहुंचे। हालांकि वन विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंच कर घायलों का हाल चाल जानने और हर संभव सहायता कराने का आश्वासन भी दिया है। हाथी में तोड़ा था घर में, फिर जाल को तोड़ दिया बच्चा को। छात्र आदर्श जमशेदपुर इकाई को मजबूती प्रदान करने हेतु नई कमेटी गठन तथा विस्तारीकरण गुरुवार को किया गया। इस दौरान श्री राजस्व के नेताओं के साथ प्रदेश छात्र राजस्व के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान कई नए सदस्यों को पदभार सौंपा गया। प्रदेश स्तर के नेताओं ने संगठन से जुड़े छात्रों को कई दिशा निर्देश भी दिया। प्रदेश छात्र राजस्व के अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि वर्तमान समय में पूर्वी सिंहभूम जिले के छात्रों के समक्ष कई चुनौती परेशानियां हैं और छात्र राजस्व ने मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी है। इन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में अगर कोई भी गलती होती तो इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में छात्रों के हितों की रक्षा कैसे हो, इस पर छात्र राजस्व कार्य कर रही है। प्रदेश के सचिव बड़े भाई दीपक पांडे जी को माला पहना के इनका स्वागत करें। साथियों में कंजूसी, देखिए चूंकि आशु छात्र संगठन का जो इतिहास ही रहा है छात्रों के लिए लड़ते हुए और छात्रों के अधिकारों को बचाने के लिए आंदोलनरत रहने का ही रहा है, उसके लिए सदैव हम लोग तत्पर रहते हैं। उस बीच में अगर आप वर्तमान स्थिति को देखें झारखंड की, तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो यहाँ के छात्रों का, यहाँ के युवाओं का हो रहा है। उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग फिर से संगठित हो रहे हैं, फिर से हम वो उस आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं जिस आंदोलन के तहत हमने झारखंड राज्य को अलग करने का काम किया था। अब हम लोग यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। उराव समाज समिति कुल्हान इकाई द्वारा गुमला इलाके में आदिवासियों के जबरन धर्मांतर का विरोध जताया गया है। इसमें संबंधित एक मांग पत्र इनके द्वारा जमशेदपुर जिले के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि गुमला जिले में इन दिनों जबरन उराव समाज के लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि झारखंड में CNT तथा SPT एक्ट लागू, जिसका खुला उल्लंघन इन आदिवासियों की जमीन को जबरन हड़पा जा रहा है, जिसका समाज विरोध जताता है। इन्होंने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाना गैर कानूनी है, इस पर रोक लगानी चाहिए। इन्होंने इस संबंध में जमशेदपुर जिले के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र भेजा है और इस पर अविलंब रोक लगवा कर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। अमजद तो आईडी में तार लगा देना भाई, अंदर है दादू है। कि गुमला जिला के अंतर्गत घाघरा प्रखंड में सरना समाज के, उराव समाज के लोग इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रयास हो किया जा रहा है और ये प्रयास उराव समाज ने ये पढ़कर काफ़ी आहत है उराव समाज में, इसलिए हम लोग मांग करने जा रहे हैं DC महोदय महामहिम राज्यपाल से कि वहाँ में किसी न किसी प्रकार से उराव समाज के लोगों का धार्मिक स्थल एवं जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है विशेष समुदाय के लोगों से, लोगों के द्वारा। और जबकि इस झारखंड में आदिवासी मूलवासी आदिवासी उराव समाज ST के अंतर्गत आता है, CNT SPT एक्ट और आदिवासी उत्पीड़न कानून बना है, इसके बावजूद भी वहां लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जमशेदपुर में एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान को खेलने योग्य मैदान बनाए जाने की मांग क्रीडा भारती जमशेदपुर इकाई ने जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई है। इस संबंध में इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया।
इस वाइन का कहना है कि इन दिनों इस मैदान में घास से ज्यादा बालू भरा पड़ा है, जिससे यहाँ बच्चों को खेलने परेशानी होता है। साथ ही यहाँ मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि मैदान में इन दिनों धार्मिक अनुसंधान ज्यादा होने लगा है, जिस कारण से समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस पर रोक लगानी चाहिए। टेंट लगाना, धार्मिक कार्यक्रम होना और वहाँ के खिलाड़ियों को और आम जनता को वहाँ गिट्टी लगना, काठी लगना पैर में, इससे स्वास्थ्य जहाँ स्वास्थ्य शारीरिक लायक और खेलने लायक बनाया जाए, जिससे कि प्रतिभावान खिलाड़ी हमारे बीच उभर के आए, जिससे जमशेदपुर का नाम भी रोशन हो। जो एग्रीकोट ट्रांसपोर्ट मैदान जो है, इसमें उसको खेल के योग्य बनाने के लिए यहाँ उपायुक्त महोदय के पास में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। वहाँ रोजाना सुबह से शाम तक में 4,500 से 5,000 लोग टहलते हैं, खेलते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए उस मैदान का उपयोग करते हैं। लेकिन अभी जो मैदान की स्थिति है, वो पूरे मैदान में बालू है, मैदान का घास का कहीं ये नहीं है। तो हम लोग उपायुक्त महोदय से यही निवेदन करने आए हैं कि उसको खेलने युक्त बनाया जाए और उसमें कम से कम उसमें धार्मिक जो ये होता है, कार्यक्रम होता है, उसमें अगर रोक लगे तो उस मैदान खेलने लायक उपयोगी रह जाएगी। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। 14 जून यानी विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर इसका आयोजन रेड क्रॉस भवन में किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासियों ने रक्तदान किया। वैसे प्रत्येक वर्ष के भांति में इस वर्ष भी रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा रक्तदान के क्षेत्र में अव्वल रहने वाले रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस है तो ये सिंबॉलिक हम लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें लगभग 100 लोग आज ब्लड डोनेट करेंगे, काफ़ी कर चुके हैं और ये शाम को 3 बजे तक चलेगा। और आज शाम को 5:30 बजे से रक्तदाता सम्मान समारोह है, इसमें जितनी रक्तदान से जुड़ी संस्थाएँ हैं उनको हमारे अध्यक्ष के उपायुक्त हैं डॉक्टर श्री अमित कुमार जी, उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा सभी लोगों को। चलने से पहले डालते हफ्ते की सुर्खियों पर, जीवीएम के नेता टुल्लू सरदार हत्याकांड में 2 आरोपी को जमशेदपुर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ईद पर शहर की विधि व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस ने निकाली फ्लैग मार्च। गोविंदपुर 2 मोहानी पुल को जल्द शुरू कराने एवं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जिला मुख्यालय सभागार में एक अहम बैठक। और गोलमुरी सर्कल मैदान के समीप बसे बस्ती को जिला प्रशासन के द्वारा खाली कराने के विरोध में बस्ती वासी ने जिला पद कार्यालय में किया प्रदर्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने हमारे साथ, नमस्कार।